हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 20 मिनट्स विद मिसेस जूडी ओकेटा, पेज नंबर 7। इट इज़ इंटरमीडिएट, चैप्टर नंबर 1। नाउ यू नो व्हाट शी डिड, डोंट यू? मर्द, क्या आप नहीं जानते कि उसने क्या किया है? शी, औरत। फैंटली, कमज़ोरी से। आई थिंक आई न्यू वॉट यू मीन, मुझे पता है, मैं समझती हूँ आपका क्या मतलब है, ये मैं समझ सकती हूँ। मेरे ही ब्रूटली, यू नो वॉट आई मीन, ऑल राइट, शी मर्डर्ड माई वाइफ एंड माई डॉटर। जिंदगी से, तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा मतलब क्या है। इसने मेरी बीवी और मेरी बच्ची को कत्ल किया था, कर दिया था। शी फ्रेंडली, शी वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, शी वॉज नॉट इवन चार्ज विथ मर्डर। औरत, कमज़ोरी से, इसे कत्ल के लिए सज़ा नहीं मिली थी, बल्कि इस पर तो कत्ल का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया गया था। ही स्कॉर्नफुली, नफ़रत से, नो नहीं, दे कॉल इट मैनस्लॉटर, बट यू नो वॉट आई कॉल इट, आई कॉल इट मर्डर, प्लान, डेलीबरेटली, हटलेस, क्रूअल मर्डर। नहीं, वो उसे आदमी का कत्ल करना कहते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि मैं इसे क्या कहता हूँ? मैं इसे कत्ल आम कहता हूँ, साफ, संग दिलाना और जालमाना कत्ल। शी डिस्पेरेटली, बेधड़क होकर, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये तो एक हादसा था। ही नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस, बल्का नहीं, वो हादसा नहीं था, हादसे में इतफाक का पहलू होता है। बट मगर, इन वॉट यूर प्रीशियस जूडियोकेटब डिड, आपकी वो कीमती जूडियोकेटब ने क्या किया, देयर वॉज नो चांस अबाउट इट, इसके पास कोई चांस नहीं था। दे इट वॉज एन मिलियन टू वन हु वुड किल समवन, एक मुकाबले में 10 लाख की अक्सरियत इस बात की शायद है कि इसने कत्ल खुद किया था। शी वीकली, नो दैट्स नॉट ट्रू, कमजोरी से, नहीं ये सच नहीं है। ही मर्द, रेड रिलेंटलेसली, बेदर्दी से, इट इज़ ट्रू, ये सच है, एंड यू नो इट, और आप ये जानती हैं। शी वॉज ड्राइविंग एट 50 miles an hour इन एन बिल्ड अप एरिया, के वो आप जानती हैं कि वो एक इमारतों से घिरी हुई रकबे में 50 mile फी घंटे की रफ्तार से कार चला रही थी। शी पुल्ड आउट टू ओवरटेक ए बस ऑन ए वाइल्ड बैंड एंड शी सॉ हरसेल्फ रनिंग स्लैप इन टू ए लॉरी कमिंग द अदर वे, इसने एक मोड़ पर बस के आगे निकलने की के लिए गाड़ी और भी तेज़ कर दी। इसने ये देख लिया कि इसकी गाड़ी दूसरी रास्ते से आती हुई लारी से टकराएगी। शी हैड ए चॉइस, वो शी कुड रम द ग्लोरी एंड किल हर सेल्फ, और शी कुड सर्वाइव ऑन टू द पेमेंट एंड किल टू इनोसेंट पेडेस्ट्रियन, वो या तो लारी से टकराकर अपने आप को हला कर सकती थी, और या वो अपनी गाड़ी को पैदल चलने वाले रास्ते पर चढ़ाकर पैदल चलने वाले मासूम इंसानों को हला कर सकती थी। शी डिड नॉट हेसीटेट, उसने ज़रा सी भी ख्याल नहीं किया। इट वॉज हर लाइफ और देयर, सवाल इसकी ज़िंदगी का या उन दो मासूम जिंदगियों का था। शी माउंटेड द पेमेंट, वो पैदल चलने वाले रास्ते पर चढ़ गई। एंड शी इज़ अलाइव टुडे, वो आज जिंदा है। एंड माई वाइफ एंड लिटिल चिल्ड्रन गर्ल आर डेड, मेरी नन्ही बच्ची और मेरी बीवी मर गई हैं। शी वेरी मच मूव्ड, कवरिंग हर फेस इन हर हैंड, बहुत मुतासिर होकर और अपना चेहरा हाथों में ढांप कर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, हाउ कैन आई से हाउ सॉरी, मैं आपको ये क्यों बता सकती हूँ कि मुझे कितना अफसोस है। ही रिलेंटलेसली, बेदर्दी से,
एंड डू यू नो वाई शी वॉज ड्राइविंग सो क्रिमिनली फास्ट, शी वॉज ड्रंक. क्या आप जानती हैं कि वो इस तरह मुजरमाना तौर पर तेजी क्यों चला रही थी. इसने शराब पी रखी थी. शी प्रोटेस्टिंग, इत्तेजाज करते हुए. शी वॉज नॉट ड्रंक, उसने शराब नहीं पी थी. औरत. ही हेयरिंग हर डाउन, मर्द उसे दबाते हुए. शी हैड बीन टू ए कॉकटेल पार्टी, वो शराब नोशी की एक पार्टी से शर्त के लिए गई थी. शी वॉज ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बिट बैट, वन ऑफ हर रूटीन सेट हैड वेगर्ड हर 5 pounds. ये शी वुड नॉट ड्राइव फ्रॉम स्ट्रेंट ऑफ क्रॉस टू कोस्ट इन अंडर 15 minutes. वो स्ट्रेंट ऑफ क्रॉस से साहिल तक 15 मिनट से कम वक्त में नहीं पहुंच सकती थी. आप इस सड़क को जानती हैं कि फासला कितना है. आप मोड़ों को भी, कोनों और इस सड़क पर आमदोरफ्त को भी जानती हैं. आप जानती हैं कि इसे आधा घंटे से पहले तय नहीं किया जा सकता. यू नो द रोड, यू नो द डिस्टेंस, यू नो द बेंड्स, यू एंड ब्लाइंड कॉर्नर एंड द ट्रैफिक ऑन दैट रोड. यू नो इट कैन नॉट बी डन रीजनेबली इन मच एन आवर. यू कैन नॉट टेल मी इट वॉज नॉट डेलीबरेट मर्डर. इसलिए आप ये नहीं कह सकती कि ये एक सोचा समझा हुआ कत्ल ना था. अब इसमें आप समझें, इसमें 5 pounds पर इसने बैट लगाई थी, शर्त लगाई थी, और 15 मिनट में ये आधे घंटे का सफ़र तय कर रही थी. यहाँ पर ब्लाइंड कॉर्नर्स थे, ये कॉकटेल पार्टी से आ रही थी. शराब नोशी, क्रॉसेज हैं, ब्लाइंड बैंड्स हैं. ये सवाल आता है कि इसने अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ की और सामने लॉरी थी, एक ब्लाइंड या पेमेंट पर चढ़ जाती और या अपनी ज़िंदगी गवाती, मगर इसने और मासूम पेमेंट पेडेस्ट्रियन को मार दिया, पैदल चलने वालों पर को. और यहाँ एक MCQs आता है कि इसने कितने पर शर्त लगाई थी. 5 pounds पर शर्त लगाई थी. और ये आपके 7 pages पर आखिरी पैराग्राफ में ये है, MCQs में ये आता है कितने पर इसने शर्त लगाई थी. 5 pounds जीतने के था इसको. और ये स्ट्रेंथ रॉप से क्रॉस रोड बीच तक जा रही थी. ब्लाइंड कट्स हैं. और ये बेटा आप काइंडली समझें, पढ़ें और मेरा गौर्स किताब बुक उठाकर पेज नंबर 7 को बुक खोलकर जब मैं पढ़ूं तो आप एक एक लाइन फॉलो करें, समझें. थैंक यू वेरी मच बेटा. अब इस